चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है ग्रीन बिल्ली ऐप। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, इसे विस्तार से जानेंगे और ऐप के बारे में बात करेंगे। अंत में इस विषय से संबंधित प्रश्न पर हम विचार करेंगे। यह विषय चर्चा में क्यों है? प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च की है। इसका उद्देश्य है कि दिल्ली के सभी लोग दिल्ली सरकार के अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध में शामिल हों। हर तरह की शिकायत इस ऐप पर दर्ज होगी। टाइमलाइन फ्रेम में शिकायत की समस्या का समाधान होगा। अब इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। इस ऐप के माध्यम से अगर कहीं आग से धुआं निकल रहा हो, कोई वाहन प्रदूषण फैला रहा हो या इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण हो रहा हो तो इसकी शिकायत आम लोग दर्ज करा सकेंगे। दिल्ली सरकार में 70 मार्शलों की तैनाती की जाएगी। ये मार्शल जहां कहीं भी प्रदूषण की शिकायत मिलेगी, मौके पर पहुंचकर तत्काल समस्या का समाधान करेंगे। शिकायत मिलने के साथ ही प्रदूषण कैसे रोका जाए, इस पर निगरानी रखेंगे। ऐप के माध्यम से भेजी गई शिकायत से संबंधित अधिकारी टाइमलाइन के अनुसार निगरानी करने के साथ शिकायत को दूर करेंगे। शिकायत करने वाले अगर अधिकारियों की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होंगे तो ऐप के माध्यम से ही शिकायत करने वाले दोबारा शिकायत कर यहां बता सकेंगे। दिल्ली सचिवालय में वॉर रूम से ही ऐप के माध्यम से पहुंचने वाली शिकायत पर नजर रखी जाएगी। मार्शल भी इस पर निगरानी रखेंगे। शिकायत मिलते ही संबंधित विभाग को इसकी सूचना भेजी जाएगी। सूचना मिलते ही पूरी सक्रियता के साथ शिकायत दूर की जाएगी। कहीं निर्माण कार्य के कारण धूल उड़ रही है तो उसकी भी शिकायत दर्ज होगी। इस ऐप के माध्यम से दिल्ली एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली विकास प्राधिकरण समेत अन्य निकाय के साथ दिल्ली सरकार के भी सभी मंत्रालय जुड़ेंगे। अब बात करते हैं ऐप के बारे में। इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले मोबाइल नंबर देना होगा। इस ऐप पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शिकायत करने की सुविधा होगी। होम पेज पर यह भी देख सकेंगे कि कितनी शिकायत की गई और कितना समाधान हुआ है। इस ऐप में किसी तरह की परेशानी आती है, यानी जहां प्रदूषण हो रहा है उसका वीडियो अपलोड करने में, ऑडियो अपलोड करने में या एंड्रॉइड फोन से खींचे हुए फोटो अपलोड करने में, तो वह भी परेशानी दूर की जाएगी। अब ये रहा आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च की है। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इस ऐप के माध्यम से अगर कहीं आग से धुआं निकल रहा हो, कोई वाहन प्रदूषण फैला रहा हो या इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण हो रहा है तो इसकी शिकायत आम लोग दर्ज करा सकेंगे। कथन दो, इस ऐप से केवल दिल्ली सरकार के सभी मंत्रालय जुड़ेंगे। उपरोक्त में असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प बी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।